बोलोबागे बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इस समय आप श्री बागे बिहारी जी महाराज के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूँ। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि ज़्यादातर लोगों के शादी के बाद वैवाहिक संबंध खराब हो जाते हैं। स्थिति इतनी तक पहुंच जाती है कि समय के अनुसार धीरे धीरे वो तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है। किसी समय में ऐसा होता था कि दोनों जब शादी हुआ करती थी तो वैवाहिक जीवन बड़ा खुशमय आनंद में रहा करता था और पति पत्नी अपना पूरा जीवन काल एक दूसरे के संग बड़े प्रेम से निभाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, शादी हुई, किसी की साल भर में तलाक हो जाता है, किसी के दो साल में हो जाता है। आज तो स्थिति ये है 20-20, 25-25 साल के बावजूद भी तलाक होने की संभावना बनी रहती है। तो ये वैवाहिक जीवन में जो अड़चने बढ़ती चली जा रही हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसके पीछे विशेष कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। उसका मेन कारण है कि हम विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं और विदेशी कल्चर में ऐसा होता ही रहता है कि वहाँ शादी आज इससे हुई, कल उससे हुई, परसों उससे हुई, ऐसी विदेशी कल्चर की परंपरा है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृति में जब शादी होती है तो पति पत्नी 7 जन्मों का संबंध बनाते हैं, 7 जन्मों के फेरे लेते हैं कि हमारा जीवन 7 जन्मों तक एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, हम एक दूसरे में प्रेम बना रहे और हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहें, साथ देते रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे का हमेशा साथ देते रहेंगे। ऐसे वचन के साथ हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या बड़ी विकराल रूप ले चुकी है। लोग कहते हैं कि आज हमारी लड़की की शादी हुई 2 साल बाद आज तलाक की नौबत आ चुकी है, या हमारे लड़के की शादी हुई कि अब ये स्थिति है कि अब तलाक की नौबत आ चुकी है, हम केस लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रही हैं। तो ये सब समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है, क्योंकि मेन जो ग्रह हैं वो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और आपका बृहस्पति, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो इस तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती हैं यदि इनकी स्थिति खराब हो तो। और यही 5ों ग्रह हमारे शादी के योग में भी दिक्कत डालते हैं। तो हमको एक ऐसा, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसा एक टोटका बताने जा रहा हूँ जिससे जिस वर वधु की शादी हुई है उसका जीवन तलाक की तरफ ना बढ़े बल्कि उसका जीवन प्रेम की तरफ बढ़े, वो ऐसे जीवन साथी बने कि एक दूसरे के लिए मर मिटें, एक दूसरे के लिए जिएं और अपने वैवाहिक जीवन को सुख में बनाएं और अंत तक जीवन की अंतिम सांस तक एक दूसरे का साथ दें, ऐसा वैवाहिक जीवन उनको प्राप्त हो। उसी के लिए मैं एक छोटा सा आपको बहुत ही सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब आपकी शादी पक्की हुई हो तो सभी लोग ज़्यादातर प्रथम कार्य ठाकुर जी के दरबार में पहुँचाने आते हैं। तो जब आप बांके बिहारी जी को अपना शादी का कार्ड देने आएं तो उसमें कार्ड के साथ ये कुछ सामान अवश्य लेके आएं।
एक तो 5 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 चांदी का सिक्का उस कार्ड के संग ठाकुर जी को अर्पित करें और ठाकुर जी को नोता दें कि प्रभु मेरे बच्चे की जो ये शादी हो रही है इसमें आप आएं और इनको आशीर्वाद दें कि इनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशी रहे, आनंद में रहे और कृपा में रहे, इनके जीवन में वो समस्त खुशियां प्राप्त हों जो इनके जीवन को आनंदित कर सकें, आनंद में कर सकें। ऐसे आप बिहार जी से प्रार्थना करते हुए उस कार्ड को श्री बांके बिहार जी के चरणों में अर्पित करेंगे। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जब शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं तो उसमें एक दिन हल्दी का प्रोग्राम होता है, एक समारोह होता है, हल्दी समारोह। उसमें जिनका लड़का है लड़की, लड़के के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती है, जिसकी लड़की है वो लड़की के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती है। तो ये हल्दी का चढ़ाने का जो समारोह है ये बहुत विशेष योगदान इसका शादी में होता है। तो आप जिस दिन आपको हल्दी चढ़ी है उस हल्दी के जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े जिसको पहन वर वधु पहनकर उन पर जो हल्दी चढ़ाई जाती है, यदि उन कपड़ों का प्रयोग हम करें तो वैवाहिक जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, हमारा वैवाहिक जीवन बड़ा खुश में आनंद में हो सकता है। आपको करना क्या है, आपके जैसे लड़की है तो लड़की की जो हल्दी चढ़े हुए कपड़े हैं, या लड़का है लड़के के जो हल्दी चढ़े हुए कपड़े हैं, यदि आप उन कपड़ों को शादी के समय, जब शादी होती है जिस दिन, उस दिन वर वधु मंडप में बैठते हैं, जहाँ पर फेरे पड़ते हैं, तो वर वधु को एक पट्टे पर बैठाया जाता है जिसमें पूरा पांडित्य कर्म होता है, हवन इत्यादि किए जाते हैं, उसके बाद फिर फेरे का कार्यक्रम होता है। तो उसमें जहाँ वर और वधु बैठे वहाँ पर, जैसे आपकी कन्या है तो कन्या पक्ष को क्या करना चाहिए कि उसके जो हल्दी के कपड़े हैं वो कपड़े वर के, जहाँ वर बैठेगा, जहाँ वो लड़का बैठेगा उसके नीचे वो कपड़े रख दिए जाएं और उस कपड़े पर वो उसका जो पट्टा है जिस पट्टे पर वो वर बैठेगा उस पर, उसके नीचे वो कपड़े लगा दिया जाए, उसके ऊपर वो लड़का बैठकर और वैवाहिक क्रिया का कार्यक्रम करें। उसमें हवन इत्यादि जो हो, यदि लड़की के पीले हल्दी के कपड़े लड़के के नीचे लगा दिए जाएं और लड़के के हल्दी के कपड़े लड़की के नीचे लगा दिए जाएं तो दोनों में, और फिर उस पर बैठकर हमारा शादी का, मंडप में बैठकर शादी का कार्यक्रम किया जाए, पूरे हवन इत्यादि किए जाएं, पूरे संकल्प इत्यादि जो होते हैं वो सर्व कार्य हों, मंडप के पूरे कार्य किए जाएं और उसी मंडप में फिर फेरे पड़ें, तो ऐसा कार्य करने से कभी भी वर और वधु का जीवन तलाक की तरफ नहीं जाएगा, दोनों का जीवन बड़ा खुश में रहेगा, दोनों में विशेष प्रेम हमेशा जिंदगी में बना रहेगा। कितनी भी टकराव यदि हो भी जाएं तो दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कितना आप सोचते होंगे, एक हल्दी चढ़ा हुआ कपड़ा यदि मंडप में एक दूसरे का रख दिया जाए और उससे ऐसा हो सकता है? हाँ, ये एकदम परम सत्य है, यदि ऐसा हो जाए तो उस विवाह में पति पत्नी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये अटूट सत्य है। आप इस कार्य को शादी में अजमा कर देखना, फिर आपको पता लगेगा कि मेरी बेटी का, मेरे बिटिया, मेरे बेटे का वैवाहिक जीवन कितना आनंद में रहा, कितना खुश में है, उनके जीवन में हमेशा एक दूसरे के प्रति बहुत विशेष प्रेम बना रहेगा और एक दूसरे की वो हमेशा चिंता करेंगे और एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे, चाहे गृह कितने भी विपरीत हो। आप शादी के समय ये उपाय अवश्य करना, आपको इसका विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
आपको इसमें केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब ये कार्य कर रहे हो उस समय कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, ये काम बिल्कुल चुपचाप करना है। क्योंकि यदि कोई टोकेगा तो इस कार्य का फल नहीं मिलेगा, ये अनटोके किया जाने वाला कार्य है। तो आप जब उन कपड़ों को, लड़की के कपड़ों को लड़के के नीचे लगाएंगे, या लड़के के कपड़े को लड़की के नीचे लगाएंगे, या दोनों के कपड़ों को दोनों के नीचे लगाएंगे, एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे ना, तो वो कपड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए। आजकल जब भी कपड़ा नीचे रखते हैं तो ऊपर जैसे फर्श डाल दिया, या उसके ऊपर गद्दा रखा जाता है, उसके ऊपर फिर पट्टा रखा जाता है, तो उस पर वरवधू विराजमान होते हैं, तो वो कपड़े नीचे छुपे रहने चाहिए, दिखाई नहीं देने चाहिए। सबसे विशेष बात ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि उनको ऊपर रख दें, उसके ऊपर पट्टा रख दें तो वो कपड़े सबको दिखाई दें। वो कपड़े किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि लड़की के कपड़े लड़के के नीचे लगे हुए हैं, या लड़के के कपड़े लड़की के नीचे लगे हुए हैं। वो ये इस तरह का आवाज़ भी नहीं होना चाहिए, और वो कपड़े गुप्त रूप में रखने हैं जिससे उसका विशेष फल आपको प्राप्त हो सके। तो आप इस कार्य को अवश्य करना, आपको उसका विशेष फल अवश्य मिलेगा, और आप ये देखोगे कि दोनों के जीवन में बहुत ही आनंद प्राप्त होता रहेगा। तो आपसे अनुरोध है तो आप इस उपाय को अवश्य करेंगे, और इसका उपाय का आनंद आप अवश्य लेंगे, और आपके बच्चे हमेशा खुश में रहें, आनंद में रहें, कृपा बनी रहे बिहारी जी की, और उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहे, ऐसी मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो सभी इसको शेयर करना, इसको सब्सक्राइब अवश्य करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो उनको भी इसका विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब आगे की जो मैं वीडियो ला रहा हूँ उसमें जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, शादियों में परेशानी हो रही हैं, या शादी के योग नहीं बन रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं विशेष तौर पर अगली वीडियो में बताऊँगा। और जो मैं आपको उपाय बताऊँगा वो बहुत सरल होंगे, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप वीडियो यदि ढंग से देखेंगे तो उसमें समस्त उपाय बड़े शांतिमय ढंग से आपको बताए जाएंगे। आप उस वीडियो को बड़े प्रेम से देखना, और उन उपायों को यदि आप करेंगे तो आपके बच्चे की शादी अवश्य होगी, आपकी बिटिया की शादी अवश्य होगी, और उसका जीवन बड़े कृपा में रहेगा, आनंद में रहेगा। तो मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूँगा आपके बच्चों का जीवन कृपा में रहे, आनंद में रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, जय बिहारी जी की, जय श्री राधे।